2023 चुनाव की दृष्टि से घोषणा पत्र निर्माण हेतु हमारी समिति बनी थी। उस समिति के संयोजक दुर्ग के सांसद और वर्तमान में पाटन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय विजय बघेल जी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। स्वागत के पश्चात घोषणा पत्र समिति के संयोजक आदरणीय विजय बघेल जी से आग्रह करूंगा कि आए और इस पूरे कार्यक्रम की प्रस्तावना सबके सामने रखें। आदरणीय विजय बघेल जी, आज हम सबका सौभाग्य कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी 2023 के इस महत्वपूर्ण चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र की आज घोषणा करने जा रहे हैं। मैं घोषणा पत्र समिति की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय अरुण साव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, यहाँ हमारे चुनाव संचालन समिति के प्रमुख जिनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, सम्माननीय ओम माथुर जी, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सम्माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, सम्माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय नारायण चंदेल जी, सांसद सम्माननीय सुनील सोनी जी और पूर्व राज्यसभा सांसद और वर्तमान में हमारे घोषणा पत्र समिति के सह संयोजक सम्माननीय रामविचार नेताम जी, उपस्थित सम्माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमारे उप चुनाव संचालक, सम्माननीय नितिन नवीन जी जो लगातार हमारे बीच में हैं, और उपस्थित सभी यहाँ पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, और सौभाग्य से दिल्ली से भी, रायपुर से भी, अनंत से भी सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुगण, आप सबका मैं घोषणा पत्र समिति की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। 3 अगस्त को चुनाव घोषणा पत्र समिति की हम सब ने अभियान की शुरुआत की थी और 3 महीने के अथक प्रयास से लगातार 90 विधानसभा में 90 सुझाव पेटी, साथ ही साथ व्हाट्सएप और ईमेल भी जारी किया गया और लगातार हमारे माननीय सदस्यगण, लगभग 35 सदस्य हमारी टीम बनी थी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के निर्देशन में, और हम सब ने मिलकर सभी वरिष्ठ जनों से, सभी समाज प्रमुखों से, सभी वर्गों से, नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक, व्यापारीगण, खोमचे वाले, सब्जी वाले से लेकर बड़े उद्योगपति, सभी कर्मचारी अधिकारी, दैनिक वेतन भोगी से लेकर मंत्रालय तक के अधिकारी कर्मचारी से संपर्क किए और उनसे सुझाव लिए। यहाँ तक कि हमारे सभी पत्रकार बंधुगण जो जमीनी स्तर की हकीकत को लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, हमें आईना दिखाते हैं,
ऐसे सम्माननीय पत्रकार बंधुओं से भी हमने सुझाव लिए और सबको एकत्रित करके 3 महीने के अथक प्रयास से आज भी एक संयोग 3 अगस्त और 3 नवंबर पूरा 3 महीना हम सब ने मिलकर मेहनत की और सबकी भावनाओं के अनुरूप सबको सम्मान करते हुए सबके सुझावों को प्राथमिकता देते हुए सभी वरिष्ठ जनों से राय मशविरा करके सभी विशेष विशेषज्ञों से राय मशविरा करके हमने ये घोषणा पत्र तैयार की और आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व मुझे आज देवतुल्य जनता जनार्दन को समर्पित करने जा रही है। पूरे विश्वास के साथ ये हमारा अटल संकल्प है और हम भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, उस सत्य वाक को हम पूरा करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास, उस भावना को हमने इस घोषणा पत्र में समाहित किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस घोषणा पत्र के आधार पर हमारा जो चुनाव अभियान है और आगे बढ़ेगा और जनता जनार्दन का विश्वास जीतेगा। हमने यह भी महसूस किया जब हम नीचे स्तर तक लोगों के बीच में मिल रहे थे, चौक चौराहे में, पान ठेला में, चाय दुकान में, मंत्रालय में भी, बाजार हाट में भी,